पार्टी स्पीक्स एंड आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम सुपर 666 के बारे में बात कर रहे हैं। मैम, ये सुपर 666 क्या है? तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ के आप इजीली केमिस्ट्री में 140 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। और ये चैप्टर्स के नेम मैं नहीं बता रही, सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ा भी रही हूँ। तो मेक श्योर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड यस, वीडियो पूरी देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, दैट इज फ्री मेंटोरशिप जो मैं अपने तरफ से आपको देने वाली हूँ। तो प्लीज मेक श्योर पहले तुम इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री में ये कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने 6 चैप्टर्स लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। मैंने चैप्टर सिर्फ वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं लिया, मैंने ये भी देखा कि कौन से चैप्टर इजी टू डू है। आपको आयोनिक पसंद नहीं है, मैंने आयोनिक हटा दी। आपको मोल कॉन्सेप्ट पसंद नहीं, मैंने मोल कॉन्सेप्ट एक्सक्लूड की। आपको सॉल्यूशन से डर लगता है, मैंने सॉल्यूशन एक्सक्लूड की। आपको जिन जिन चैप्टर्स को लगा कि आपको फोबिया है, मैंने उन चैप्टर्स को ही हटा दिए। और उस चैप्टर को हटाने के बाद भी आप केमिस्ट्री में इजीली 140 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो देखते हैं, पहले चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर की वेटेज एक ही है, एक ही क्वेश्चन आते हैं, कई साल दो भी आए हैं, बट मैं एक मानती हूँ। बट चैप्टर बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहती हूँ बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस बहुत जरूरी है, बेसिक क्लियर करना। उसके बाद दूसरी आती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बहुत ही आसान चैप्टर है, दो क्वेश्चन आते हैं। तीसरी चैप्टर है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन अकेले अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो एक ही क्वेश्चन आते हैं, बट इस चैप्टर के यूज भर भर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है प्लस इनऑर्गेनिक में है, तो ये भी एक बेसिक चैप्टर है जो कि आपको आनी चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चौथी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छा जिनको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं आता, मैंने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया है, कुछ लेक्चर्स हुए हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। अगर नहीं आता तो आओ और आके फायदा उठाओ मौके का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो क्वेश्चन आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स दो क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स दो क्वेश्चन आते हैं। मतलब टोटल अगर टोटल करो तो 10 क्वेश्चंस भाई, 10 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के बस इन्हीं सारे चैप्टर से आ रहे हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि भाई 15 चैप्टर्स तो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन तो यही 6 चैप्टर्स लेके जा रहे हैं, तो हम इन 6 चैप्टर्स को क्यों ना करें और अपने मार्क्स सिक्योर कर ले। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी जो चीज है ना, अगर हम उसको स्मार्टली पढ़े तो पता 40% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तुम जीओसी से ही कर ले जाओगे, बट फिर भी मिनिमम जीओसी से तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आएंगे। आई एम अगेन सेइंग स्मार्ट पे करना होगा। जीओसी में इतने सारे कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग हर चैप्टर्स में यूज होते हैं ऑर्गेनिक के, तो जीओसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डू। अगेन हाइड्रोकार्बन दो चैप्टर, दो क्वेश्चन आते हैं। अगेन वेरी इजी चैप्टर, थोड़ा सा समझ जाओगे तो बहुत आराम से कर लोगे। उसी तरीके से हेलो एल्केन और हेलो एरीन भी बहुत आसान है, इससे भी दो क्वेश्चन आते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, भैया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बट आराम से कर सकते हो, 3 क्वेश्चन तो इससे भी आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल आपको बहुत आसान क्वेश्चन, रटे हुए क्वेश्चन आते हैं। आप 2 से 3 बार इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आप आराम से ये 2 क्वेश्चन कर ले जाओगे। पॉलीमर, पॉलीमर को मैंने क्यों लिया है, अगेन वेरी 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 इजी चैप्टर, आप 2-3 बार सिंपल पढ़ भी लो ना, आपको समझ में भी नहीं आ रही, आप पढ़ भी लो ना, फिर भी आप एक क्वेश्चन तो आपका कहीं नहीं छूटने वाला है। तो इससे भी टोटल कितने बनते हैं भाई, 13 क्वेश्चन, कैन यू बिलीव, 13 क्वेश्चन फ्रॉम दिस 6 चैप्टर ओनली। 13 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक के आ रहे हैं इन चैप्टर्स के। आगे बढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आपको करनी करनी है। देखो इंडिविजुअल बात करें तो 1 क्वेश्चन आते हैं, एक कई बार 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बट इस चैप्टर को आपको, अगर आपको ये चैप्टर ही नहीं आता तो आप इनऑर्गेनिक क्या समझोगे। तो पीरियोडिक टेबल आप एकदम जरूर से करो, नहीं किया है तो लेक्चर पड़े हुए हैं, जाके लेक्चर को देख लो। केमिकल बॉन्डिंग भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस मतलब 12 मार्क्स अकेला, जो कि बहुत ही हाई वेटेज है, ये अकेला सिंगल चैप्टर कवर करता है। और इस चैप्टर को करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी अगेन एक बेसिक चैप्टर है। देन एस ब्लॉक, वेरी इजी चैप्टर, 2 क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक अकेला मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, वेरी वेरी हाई वेटेज,
5 क्वेश्चन, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं इससे आपके नीट में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन, देखो भैया 1 क्वेश्चन आते हैं बट बहुत इजी, भाई तुम एक दिन भी शिद्दत से पढ़ लोगे ना हाइड्रोजन को, एक दिन भी, या पढ़ा भी नहीं जा रहा तो लेक्चर पढ़े हुए हैं, नोट पढ़े हुए हैं उसको भी देख लोगे ना 2 घंटे आराम से देख के, तो एक नंबर तो तुम्हारी, एक क्वेश्चन तो तुम्हारी पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से टोटल तुम्हारे देख लो भैया, टोटल यहाँ से भी तुम्हारे 14 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, 14 क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि भैया हमें लगभग 35 क्वेश्चन तो बस यही 18 चैप्टर्स पढ़ के कवर हो जा रही है, दैट इज 6 6 6। तो हम अगर इन चैप्टर्स को पढ़ ले अच्छे से तो हमारे 140 मार्क्स, तो चलिए ठीक है आपने नेगेटिव मार्किंग कर लिया, आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, फिर भी आपके 120 मार्क्स तो सिक्योर रहेंगे, राइट। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 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 ये चैप्टर्स मैं सिर्फ आपको बता नहीं रही, इन चैप्टर्स को मैं पढ़ा भी रही हूँ। ऑलरेडी मैंने हाइड्रोजन पढ़ा दिया है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दी है, केमिकल बॉन्डिंग के आधी लेक्चर यूट्यूब पे है, आधी अनअकैडमी पे है, रेडॉक्स मैंने स्टार्ट करा दिया है। रेडॉक्स के बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, याद रख लो रेडॉक्स के बाद हम कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर आप जाके पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं। प्लस 18th अप्रैल को शाम के 6:30 बजे से एक टेस्ट होने जा रही है, शाम के 6:30 बजे से एक टेस्ट होने जा रही है पीरियोडिक टेबल की। सारे के सारे बच्चे तुम सब अटेंड करोगे वो टेस्ट, भले प्रिपेयर हो नहीं हो फिर भी अटेंड करना, अटेंड करके देखना कि भाई मैं कितना स्कोर पर पा रहा हूँ, मुझे क्या मेरी औकात है, कितने मार्क्स आने, बस देखना, टेस्ट देना हमेशा 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 इंपॉर्टेंट होता है। प्लस जो नए लोग जो नए अकाउंट से टेस्ट के लिए अपेयर करेंगे वो प्लीज ये कोड लगा लो अंजलि सिंह, एंड ये कोड लगाने के बाद आप मुझे मेरे मेल आईडी पे स्क्रीनशॉट देना, मेरे मेल आईडी पे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको फ्री में मेंटोरशिप 1-to-1 जो ऑल इंडिया रैंक जिनकी AIR बहुत अच्छी आई हुई है, जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में, मैं उनसे 1-to-1 आपको वीडियो कॉल प्रोवाइड करूंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करूंगी। आपको बस करना होगा, आपको 18th अप्रैल को शाम के 6:30 बजे टेस्ट देनी होगी, चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल, और आपको ये कोड लगाना पड़ेगा अंजलि सिंह, ठीक है। नए अकाउंट से जो लोग लॉग इन कर रहे हैं अंजलि सिंह कोड लगाइए, टेस्ट दीजिए, SS लीजिए, SS लेके मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कीजिए, देन मैं आपको फर्दर प्रोसेस बताऊंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं ये चीज की डिटेल्ड प्रोसेस आपको दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लस कमेंट सेक्शन में दी हुई है, जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे प्रोसेस आपको अच्छे से पता चल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और आप इसको फॉलो करेंगे तो भूलिएगा नहीं, 666 सुपर 666, ओके। That's it for the video. Bye bye.